अभी हम लोग रामगढ़ कॉलेज के पीछे जारा टोला वार्ड नंबर 6 में हैं। इसको विनोद बिहारी कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक घर में कल रात चोरी हो गई है और आपको हम दिखाने जा रहे हैं उस घर में कि क्या स्थिति है। इससे पहले भी जारा टोला वार्ड नंबर 6 में पहले भी 2-3 बार चोरियाँ हो चुकी है। चोर कितने शातिर हैं कि हर बार उनकी हिम्मत हो जा रही है कि वो चोरी कर लें। यही वो घर है जिसमें चोर कल रात में मौका पाकर इस बाउंड्री से अंदर घुसा और यहाँ पर एक ताला लटका हुआ था या ग्रिल बंद था और ताला को ये तोड़ दिया चोरों ने। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के चोर अब यहाँ घूम रहे हैं। ये पहले भी कई बार जारा टोला में चोरी हो चुकी है, पहले भी कई बार चोरी हो। देखिए घर की स्थिति कैसी है, पूरे घर के परिजन लोग यहाँ पर मौजूद हैं और घर की स्थिति आप खुद भी देख सकते हैं। कई समाजसेवी लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, नीरज जी वगैरह भी हैं, संजय बनारसी हैं, रमेश महतो जी हैं, पूर्णी देवी जी हैं और पूरी स्थिति का जायजा देख लीजिए। आप खुद ही देख सकते हैं किस तरह से चोरों ने आराम से चोरी की होगी। कोई नहीं था घर में, लोग बाहर गए हुए थे किसी शादी में और इन्हें भी नहीं पता था और आसपास के लोगों को भी नहीं पता था कि वो यहाँ नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चोर इतने भीड़भाड़ इलाके में, घनी बस्ती में भी खुलेआम चोरी कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटनाएं घट जा रही है। किस तरह से पूरा बेड और पूरा घर बिखरा पड़ा है आप खुद भी देख सकते हैं। और अभी हम घर के मालिक हैं, क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? सुनील कुमार महतो। हाँ, क्या क्या हुआ था एक बार थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। तो कल बुधवार को शाम 4:45 बजे के आसपास ससुराल में शादी था, तो वहाँ यहाँ से निकले और नेक्स्ट दूसरा ही दिन हम 8:30 बजे सुबह यहाँ आए, तो यहाँ पर गेट में मेन गेट लॉक था अंदर से और ताला तोड़ा हुआ था। अंदर आने के बाद ताला तोड़ा हुआ है, तो फिर देखे अंदर में घुसे तो पूरा सामान छत बिछत है और इधर उधर सब बिखरा हुआ है। कितना का सामान चोरी हुआ होगा लगभग? लगभग सब ज्वेलरी था, तो ज्वेलरी में लगभग 3 लाख+ चोरी हो गया है। क्या क्या सामान होगा कुछ अंदाजा है? उसमें अंदाजा है कि एक सोने का चेन था, मांग टीका था, 2 अंगूठी था, सोने का टॉप्स था और सोने का नेकलेस, 2 जीतिया था और बच्चा का 2 लॉकेट था और मंगलसूत्र था और हाथ का कंगन था। अच्छा, तो ये मतलब आप लोग जब यहाँ से गए, इतनी घनी आबादी में चोरी हो जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब चोरी हो जा रहा है इस पर तो क्या कहेंगे? आसपास के लोग तो ध्यान नहीं देते हैं, प्लस की इसीलिए किसी को बोल के नहीं गया। और क्या बोल रहे हैं यहाँ किसी को बोल के नहीं जाए कि मतलब जैसे किसी को पता ना चले कि हम लोग है या नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन देखिए चोरों को ये बात पता चल गया कि आप यहाँ नहीं है। किस तरह से चोर भी समझ जाते हैं कि भाई आज नहीं है वो घर में, आज टोटली पूरा होल नाइट वो नहीं रहेंगे, ये बात उनको कैसे खबर मिल जाती है ये समझ में नहीं आता है हम लोगों को। ये बड़ा गंभीर विषय है कि पहले भी कई बार यहाँ पर 2-3 बार चोरियाँ हो चुकी है और पहले भी अक्सर हो जाया करता था चोरी, लेकिन प्रशासन जो है हर बार बस खानापूर्ति करके चोरों को पकड़ नहीं पा रहा है। हमारे बीच में पूर्णी देवी जी हैं जो वार्ड नंबर 6 की पूर्व मुखिया रह चुकी हैं। पूर्णी देवी जी, अब आप क्या कहेंगे इस प्रशासन मतलब इस तरह की चोरी पर? इस चोरी पर चोरी सर देखिए प्रशासन रात को भी नहीं घूमते हैं, हम लोग को बहुत इधर जंगल एरिया भी पड़ता है तो प्रशासन को हम लोग सूचना भी देते हैं, इस बात को सूचना भी देते हैं, लेकिन प्रशासन एक्शन नहीं लेते हैं। इसके अलावा क्या करें, हम लोग 7 बजे दिए हैं सूचना, फ़ोन भी किए हम कि सर मेरा बस्ती में ऐसे ऐसे घटना हुआ है, लेकिन अभी तक भी प्रशासन नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, इतना घनी आबादी है, इतना लोग यहाँ रहते हैं और उसके बाद भी चोर इतना हिम्मत करके यहाँ चोरी कर लेते हैं, तो ये एक प्रशासनिक लापरवाही को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? एकदम माना जाएगा सर, लापरवाही तो है, प्रशासन पूरा लापरवाही करते हैं।
इससे पहले भी कई बार जैसे गाड़ियों को लेकर के इस तरह के हरकतें होती थी या उस तरह के लोग घूमते थे तो उनकी भी शिकायतें दी जाती थी, छेड़खानी होते थे। उसके बाद रास्ते में हम लोग महिला लोग घूमती थी, उसके कभी सुनते थे कि कान से कान वाला खींच लिया सोना, झुमका चोरी हो गया, कि किसी को कोई महिला को गला से चैने खींच लिया। तो प्रशासन तो एकदम पूरा ही करते हैं सर, लापरवाही है प्रशासन का। ये बड़ा दुर्भाग्य है, इतना पौश इलाका या रामगढ़ के लिए बहुत ही अच्छा ये जगह है और यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लेकिन प्रशासन का थोड़ा लापरवाही दिखता है कि रात में यहाँ पेट्रोलिंग गाड़ी बहुत कम आती है या पैंथर वाले आते हैं तो बहुत कम आते हैं, बस आए और चले गए, वो खाना पूर्ति करने से नहीं होगा। और आज जो स्थिति यहाँ पर दिख रहा है, इतने बड़े बड़े घर बने हुए हैं, यहाँ पर एक लोगों की भी कमी है, जागरूकता का अभाव है। यहाँ सबके घर पर एक कैमरा जरूर लगा हुआ होना चाहिए जिसे थर्ड आई कहते हैं, और ये थर्ड आई आज के डेट में ज़रूरत है। और आज सुनील सर के यहाँ जो घटना घटी है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिर्फ रात का 12 घंटा जो है वो शादी में गए और इतना बड़ा कांड हो गया, तो ये थोड़ा सा समाज के लिए बड़ा गलत मैसेज है। देखिए, ये पूर्णी देवी जी हैं जो यहाँ की पूर्व मुखिया रह चुकी हैं, इन्होंने भी कह रहे, इनका भी कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही तो है, जहाँ पर अगर पुलिस सतर्क रहे, सचेत रहे और गश्ती करती है तो बिल्कुल चोरी पर लगाम लगाया जा सकता है। चोरों के मन में प्रशासन के प्रति एक भय होना अति आवश्यक है। अभी 8:30 बजे सुबह में तो बाहर से बेल बजा रहे हैं तो नहीं था।